वी आर डन विद ऑल द इम्प्लांट प्लेसमेंट, वी प्लेस टोटल 5 इम्प्लांट्स। मैंने एपी सीट का बहुत ध्यान रखा है, जो मेरे लास्ट के दोनों इम्प्लांट्स हैं वो प्रीमलर्स सेकंड प्रीमलर्स पे रेस्ट कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि टिल्ट इम्प्लांट करने के बजाय सीधे इम्प्लांट डालूँ, और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, दीज आर नोबल एक्टिव इम्प्लांट्स। इसका जो डाया है मैंने मोस्टली 4.3 आरपी, जो रेगुलर प्लेटफॉर्म इम्प्लांट है वो मैंने डाला है और एंगेज किया है फ्लोर पे। मुझे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिली है हर इम्प्लांट में, और जो मेरा लेंथ है इसका 10 to 11.5 है। साइनस लिफ्ट भी मैंने इसमें किया है, जो प्रीमोलर की साइड है यहाँ पे, जो लास्ट इम्प्लांट आप देख रहे हैं ये वाला, और बोन ग्राफ्टिंग यहाँ पे देखो, बोन वॉल्यूम अच्छा है, तो मैं अभी ग्राफ्ट डाल के मेम्ब्रेन डाल के इसको कवर कर दूंगा। हमेशा आप इसमें जो नोटिस करने की बात है, ये देखो मेरे जो इम्प्लांट है वो सारे के सारे लिंगुली प्लेस्ड हैं, लिंगुल जो प्लेस्ड है सारे के सारे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मल्टी यूनिट के जो स्क्रूज होते हैं वो हमेशा वो बकल एक्सेस में होना चाहिए, प्रोस्थेटिक आपको रिहैब करने में आसानी हो जाती है, रिट्रीव करने में, देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पैरालिज्म देखो, यहाँ पे सारे के सारे इम्प्लांट्स का जो पैरालिज्म है एकदम परफेक्ट है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है इम्प्लांट की सक्सेस का। सारे के सारे जो इम्प्लांट्स होने चाहिए बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है। और मैंने इमीडिएट एक्सट्रैक्शन जब किया था, बोन सॉफ्ट थी, मैंने एंगेज किया यहाँ पे, मैं हमेशा मार्क कर लेता हूँ मिड लाइन पे पैरालिज्म देखने के लिए। हर इम्प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 mm है। ऐसे ही केसेस होते हैं, ऐसे आप केसेस प्लान करते हैं, और देखो सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी टीयर नहीं है, दिस इज हाउ यू नीड टू डू। साइनस जो क्रेस्ट है वो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट पेशेंट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, दैट इज वाई प्लेस स्ट्रेट इम्प्लांट्स। 5 इम्प्लांट्स डाले हैं, अच्छा तगड़ा एनकरेज मिला है, और दिस इज हाउ यू डू इट। माता रानी का आशीर्वाद है, अच्छे केस हो रहे हैं। यू हैव टू जस्ट प्लान केसेस, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे इम्प्लांट्स में पैरालिज्म, 3D इम्प्लांट प्लेसमेंट गाइड बनवा के कर सकते हैं, और हमेशा प्रोविजनलाइज दांत बना के करो, तभी आपकी प्लेसमेंट पैरालिज्म आएगी। ऐसे अंदाजे से करेंगे यू विल नॉट गेट द पैरालिज्म राइट अवे। पैरालिटल प्लेसमेंट करेंगे, तगड़ी बोन पे स्टेबलाइज करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।